छात्रों एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ क्यूटरली एग्जामिनेशन 2023-24 सब्जेक्ट इंग्लिश, यानी क्लास टेंथ का इंग्लिश सब्जेक्ट का पूरा रियल पेपर बात करेंगे और साथ में इसका हम PDF भी प्रोवाइड करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। यह पेपर 100% श्योर है। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये इंट्रोडक्शन है, ये सेक्शन ए देख लीजिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है सेक्शन ए। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन ए स्क्रीन पर आपके शो हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एंड ब्लो, यानी 5 नंबर का यह क्वेश्चन है। इस पैसेज को पढ़कर पूरा का पूरा आंसर आपको देना है। जी हाँ दोस्तों, इस पैसेज को पढ़कर पूरा का पूरा आंसर आप लोगों को देना है। यह पैसेज पढ़ लीजिए। इसका आंसर की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट फटाफट कीजिए, हम इसके आंसर की वीडियो आपको फटाफट प्रोवाइड करा देंगे। इस वीडियो में 500 लाइक कर दीजिए, मैं फटाफट इसके आंसर की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। यह रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है, सही विकल्प है पहला क्वेश्चन। इन द पैसेज इट साइड द डिकोसोरोमी, ये इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। यह रहा दूसरा क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है, बीच द फ्लोइंग इन द करेक्ट, यह रहा दूसरा क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, द राइटर से डेट्स, दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी रियल पेपर नहीं है। इससे आप पढ़ लेंगे तो पूरे के पूरे 60-70 नंबर आसानी से आ जाएंगे। इस पेपर को पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है, अगला क्वेश्चन भी नंबर, व्हाट अकॉर्डिंग ऑफ द राइटर इन रोल ऑफ रीजन इन द प्रेजेंट एज, इसमें भी 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है, रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यह 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें भी यह पैसेज दिया गया है, पैसेज का पढ़ के आंसर आपको पूरा का पूरा देना है। अगर आपको करेक्ट आंसर चाहिए तो हमारे वीडियो में 500 लाइक आप करवा दीजिए, हम आपको इसके आंसर की वीडियो जल्दी प्रोवाइड करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख सकते हैं यह पैसेज है, आप अपने कोई भी बुक हो या गाइड हो आप मिला सकते हैं। यह पैसेज दिया गया है, इसके PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, आप जाकर ज्वाइन कर लें, या टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए AK4 Academy, आप जाकर वहां ज्वाइन कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल रिसोर्स ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट ईच, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, पहला है ये, दूसरा ए, तीसरा ए, चौथा ए, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये चौथा है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन पावर मीन्स, यानी ह्यूमन का पावर क्या होता है, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। इसमें भी 1st ऑप्शन दिए गए हैं, ये है 2nd ऑप्शन, 3rd ऑप्शन, 4th ऑप्शन, जो कि आपके स्क्रीन पर दिया गया है। इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द इग्नोर्ड एंड ओवरलुकड फॉर फैक्टर इन द डेवलपमेंट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पहला है रोल ऑफ मिडिल मेजरमेंट, रोल ऑफ चाइल्ड लेबर, रोल ऑफ वोमेन, रोल ऑफ फॉजन असिस्टेंट, आप देख सकते हैं। तीसरा है, ये चौथा रहा जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, वूमेन हैव हार्डली, वूमेन हैव हार्डली, इसमें पहला है ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, और ये रहा चौथा ऑप्शन जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसी तरह हम पांचवे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, वूमेन पावर इज, ये पहला ऑप्शन, 2nd ऑप्शन, 3rd ऑप्शन, 4th ऑप्शन। इसका अगर PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का, आप जाकर पूरा का पूरा ज्वाइन कर लीजिए, आपको पूरे के पूरे हम PDF प्रोवाइड करा देंगे अपने टेलीग्राम पर। यह रहा चौथा क्वेश्चन जो कि आप देख सकते हैं, पैसेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें क्या, केयरफुली आंसर गिविन ब्लो, इसमें भी क्वेश्चन दिए गए, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें टाइटल और समरी लिख रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, इसमें टाइटल और नोट्स बनाना है, यानी नोट्स बनानी है और टाइटल लिखना है, जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4,
यू आर एस एस बी श्रीवास्तव स्टडी इन गवर्नमेंट सी एम राज स्कूल गुड़िया मध्य प्रदेश। राइट ए एप्लीकेशन फॉर प्रिंसिपल इस बुक्स फॉर बुक्स बुक बैंक। ये चार नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा का प्रश्न है, यू आर अमन राइट ए लेटर फॉर योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम द स्पेंड समर वेकेशन विथ यू। राइट ए पैराग्राफ ऑन फ्लोइंग टॉपिक्स 120। यानी यह अगला क्वेश्चन है। इसी तरह राइट ए ऐसे है जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। राइट ए ऐसे यह देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट थी ऑनलाइन एडुकेशन जो जंक फूड और कंप्यूटर एंड मोबाइल मॉडर्न नीड। और यह रहा मध्य प्रदेश द टाइगर स्टार्ट। यह पूरे के पूरे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आप पूरे के पूरे तैयार कर लीजिए, इससे आपके 60 या 70 नंबर आसानी से आ जाएंगे। इसी तरह बात करते हैं, वन द बेसिक पिक्चर्स गिविंग ब्लो डिस्क्राइब कीव हेल्थली। ये दिया गया है दोस्तों, इन पर टॉपिक 200 वर्ड लिखने हैं। इसी तरह हम बात करते हैं सेक्शन सी की ग्रामर की। जी हाँ दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स यानी 5 यह पहला क्वेश्चन रहा, यह सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन। आप इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगर चैनल पर नए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये पांचवा क्वेश्चन, ये छठवा क्वेश्चन। इसी तरह हम बात करते हैं डू एज डायरेक्टेड की। जी हाँ दोस्तों, डू एज डायरेक्टेड में पहला क्वेश्चन है, ही कट हेयर फिंगर, ये इसमें निगेटिव में चेंज करना है। ही डिड नॉट टू गो स्कूल, ही हैज इल। कंबाइनिंग सेंटेंस यूजिंग ऑफ बिकॉज, बिकॉज का यूज करके कंबाइन इन दोनों को सेंटेंस को मिलाना है। तीसरा क्वेश्चन रहा, अनिल हैज टू पेंस चेंज इन टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा रहा, ही इज सो इल डैट कैंट गो टू ऑफिस। रिलेटिव इन सेंटेंस यूजिंग टू और टू। इसी तरह पांचवा रहा, द मैन इज आर्मी ऑफिसर, द मैन इज स्टेटिंग बाय द प्रिंसिपल, कॉम्बाइन द सेंटेंस यूजिंग हु। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दी वार मेकिंग टॉयस चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस में। सेक्शन डी की बात करेंगे तो सेक्शन डी में टेक्स्ट बुक है जिसमें आपके सही विकल्प और प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। चूज द करेक्ट अफर्मेटिव फॉलोइंग द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, लॉन्चो कंप्लीटेड लेगरेस रेन ड्रॉप्स भी थे, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है। दूसरा क्वेश्चन, हु डज द फायर संपोज द पोएम फायर एंड आइस, इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन रहा, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मैंडेला व्हाट ए कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इन मिरमल। इसी तरह चौथा क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है, द पोएम अम्बेडा इज कंप्रेस्ड बाय, इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 में है, रीड द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोस एंड आंसर एंड क्वेश्चन। यह दिया गया है, इसका क्वेश्चन और आंसर दोनों, यह पैसेज दिया गया है छोटा सा। पहला क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच दिस टेक्स्ट हैज बीन टेकन, इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, जेल सोर्स, अनूप कुमार दत्ता, नेल्सन मैंडेला। और अगला क्वेश्चन है, ए मैन हु टेक्स अवे ऑथर मैंस फ्रीडम इज, ए प्रोसेसर ऑफ सिंप्रति, ए प्रोसेसर ऑफ सेल्फ वैल्यू, ए प्रोसेसर ऑफ हेटेड। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव टेक्स्ट व्हिच इज अपोजिट ऑफ द वर्ड वाइफ लीडर द नेरो रोमन। इसी तरह यह दूसरा रहा दोस्तों, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, यह रहा तीसरा। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 वर्ड यानी 6 यानी 6 क्वेश्चन करनी है, 30 नंबर के रहेंगे, दो 30 वर्ड के रहेंगे और दो दो नंबर के 6 क्वेश्चन रहेंगे। ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीन शॉट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन, ये फाइव्थ क्वेश्चन, ये सिक्स क्वेश्चन, इन सभी का स्क्रीन शॉट कर लीजिए। और ये रहा सेवंथ क्वेश्चन, इसमें से आपको 6 क्वेश्चन करनी है, 6 क्वेश्चन करनी है जो कि दो दो नंबर के क्वेश्चन हैं, यानी 12 नंबर का क्वेश्चन है टोटल। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं जो कि दो दो नंबर के दो क्वेश्चन करनी है। ये रहा एक क्वेश्चन, ये रहा दो क्वेश्चन, ये रहा तीसरा क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एनी टू हु वाज द, ये पहला क्वेश्चन रहा, व्हाई वाज द नरमेटर सोकेडिस टेक्स्टी अपेयरमेंट्स, दो दो नंबर के क्वेश्चन हैं सभी के सभी, इनका स्क्रीन शॉट कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 14 ये 3 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। इसी तरह इसके अथवा का प्रश्न देख लेते हैं जो कि 3 नंबर का ही क्वेश्चन है। इसके अथवा का प्रश्न आप इनका स्क्रीन शॉट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में है ये,
क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, इसके अथवा और 16 नंबर का प्रश्न। अगर चैनल पर नए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। इसी तरह के न्यू इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का आप जाकर ज्वाइन कर लेंगे, पूरे के पूरे पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे।